दोस्तों, ये घने बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, एकदम रुई की तरह सफेद और मुलायम। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सिर पर मंडराते हुए सिर्फ एक ही बादल का वजन करीब 100 हाथियों जितना होता है? जी हाँ, चलो तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। चलो तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि इन बादलों में क्या क्या होता होगा। अरे सोचो भाई, ऑब्वियसली हवा और कुछ पानी की बूंदे, पर शायद बादलों में ये बूंदे छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स में भी हो सकती है। दरअसल बादल तब बनते हैं जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि हवा वाटर वेपर को होल्ड ही नहीं कर पाती। फिर वो वेपर छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और उसी से हमारा ये बादल फॉर्म होता है। तो अब अगर हमें इन बादलों का वेट चेक करना है तो हमें पानी का भी वेट चेक करना पड़ेगा और हवा का भी करना पड़ेगा, राइट? कुछ साइंटिस्ट ने एक क्यूमुलस क्लाउड की डेंसिटी मेजर की थी। क्यूमुलस यानी इस तरह का बादल। तो इसकी डेंसिटी उन्होंने ढूंढ के निकाली थी 0.5 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। सारे क्लाउड्स की डेंसिटी उनके टाइप पर डिपेंड करती है, यानी कि जो बहुत बड़े बादल होते हैं वो काफी फ्लफी बादल होते हैं। और अगर कैलकुलेटिंग करना है तो इन बड़े बादलों को ही करना, क्योंकि इनके साइज और शेप मेजर करने के लिए काफी आसान होती है। वहीं अगर हम छोटे बादलों की बात करें तो उनमें कम डेंसिटी होती है। और वही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी कुछ इस तरह के बादल जो कि काफी काफी ज्यादा घने होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। अगर एक क्यूमुलस क्लाउड की बात करें तो ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा मुलायम और अच्छा दिखता है, लेकिन ये एक बादल काफी काफी ज्यादा हैवी होता है। रिसर्चर्स ने इस बादल को कैलकुलेट करके एक एवरेज वेट ढूंढ निकाला है, जो है 5 लाख केजी। जी हाँ, यानी कि 1.1 मिलियन पाउंड्स। तो अब आप सोच लो कि जो सबसे घने बादल होते हैं, जो कि बारिश के वक्त आते हैं, उनका वजन कितना होगा। लेकिन दोस्तों, फिर इतने वजन से वो नीचे क्यों नहीं गिरते? जैसे कि अपने न्यूटन बाबा ने बताया था कि कोई भी चीज ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ जाती है, तो फिर बादल क्यों नहीं? इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो वो हवा में ही फॉर्म होते हैं और वो काफी ज्यादा वाइडली स्प्रेड होते हैं, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि इतने छोटे छोटे होते हैं कि ग्रेविटी इफेक्ट उस पर थोड़ा सा भी नहीं पड़ता, और उसी वजह से ये बादल आसमान में फ्लोट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।